बैटरी एक बहुत जरूरी पार्ट है एक स्मार्टफोन का, क्योंकि हम हमारे सारे कामों के लिए फोन को यूज करते हैं, चाहे आपका कोई शो देखना हो, कोई फोन कॉल करना हो या फिर फोटो ही क्लिक करनी हो। और अगर आपको सिर्फ गाने सुनते हुए रिलैक्स करना हो तो भी आपको एक अच्छी बैटरी लाइफ वाला स्मार्टफोन चाहिए चाहिए। इसलिए मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए 15,000 से लेके 1,00,000 के ऊपर तक का आपको बेस्ट बैटरी लाइफ वाले स्मार्टफोन्स। हाय गाइस, मैं प्रिंस भिनका और आप देख रहे हैं 91 वेल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इनकी सारी बैटरी की टेस्टिंग किस तरह से करते हैं। सो बैटरी टेस्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे तीन तरीके से मेजर करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पीसी मार्क टेस्ट। उसमें क्या करते हैं, हम कोई फोन को आपको 100% तक फुल चार्ज करते हैं, उसके बाद पीसी मार्क टेस्ट को रन कर देते हैं। और ये आपका टेस्ट तब तक चलते रहेगा जब तक आपका 20% तक फोन की बैटरी ना चली जाए। उसके बाद हमें एक स्कोर पता चल जाता है, लाइक ये काफी टाइम तक चलता है, और उसके बाद हमें एक टाइम मिल जाता है कि कितनी देर में आपका 20% पे आपका फोन आ गया। तो उससे हमारा एक स्कोर निकल के आता है कि भाई पीसी मार्क टेस्ट में इतना स्कोर निकल कर आया। सेकंड टेस्ट आता है हमारा YouTube प्लेबैक, जो कि 30 मिनट्स के लिए होता है। इसमें हमारा सेम सेट रहता है, लाइक आपका ब्राइटनेस वगैरह सब सेम सेट रहेगा हर जगह, ये हमारा स्टैंडर्ड है। उसमें आपका वॉल्यूम कितना रहेगा वो भी हमारा स्टैंडर्ड है। और उसके बाद हमारा टेस्टिंग करते हैं 30 मिनट्स के लिए, हम कोई भी YouTube वीडियो को चला देते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि 30 मिनट्स में कितना बैटरी ड्रॉप हो रहा है अगर आप नॉर्मली कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो। थर्ड टेस्ट आता है हमारा गेमिंग टेस्ट, जिसमें कि हम 1.5 घंटे तक गेम्स खेलते हैं, जिसमें 3 गेम्स होती हैं 30 मिनट्स ईच की, जिसमें BGMI होता है, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल होता है और रियल रेसिंग 3 होता है। और इसमें हम देखते हैं कि ओवरऑल आपका 30 मिनट्स में जब 1.5 घंटा हो जाता है उसमें आपको कितना बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि आपका हैवी टास्क में कैसा फोन परफॉर्म कर रहा है और कितना आपको बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे बेस्ट बैटरी लाइफ फोन अंडर 15,000, और इसमें जो बेस्ट निकल कर आ रहा है वो 6,000 mAh बैटरी के साथ आता है, और ऐसा कम ही देखने को मिलता है, और वो भी इस प्राइस रेंज में। और इतनी बड़ी बैटरी होने के कारण ये घंटों चलता है, इवन आप हैवी टास्क भी कर ले तो भी। एक और अच्छी बात कि इसके साथ आपको 44 वॉट का चार्जर मिल जाता है, जो कि इसे 60 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है 20% से 100% तक। तो आपने गेस कर लिया, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे Vivo T3X की। यहाँ पे PC Mark टेस्ट स्कोर की बात करें तो 23 आवर्स 33 मिनट्स का निकल कर आता है, और बैटरी ड्रॉप आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ YouTube प्लेबैक 3% देखने को मिलता है, एंड बैटरी ड्रॉप आफ्टर 1.5 आवर्स ऑफ गेमिंग 16% देखने को मिलता है। और बाकी फोन की स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो बात करते हैं हम यहाँ पे बेस्ट बैटरी लाइफ फोन अंडर 25,000, और इसमें जो बेस्ट निकल कर आ रहा है ना वो बहुत अच्छे स्पेक्स के साथ आता है, और वो भी एट दिस प्राइस। एंड इसमें आपको 55 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी है, एंड साथ साथ आपको बैटरी लाइफ भी अच्छी देती है, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए सफिशिएंट है। इवन हैवी यूजर्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ हैवी टास्क जैसे कि हमने गेमिंग एंड वीडियो स्ट्रीमिंग टेस्ट किया था इसमें, और उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ साथ इसमें आपको 80 वॉट का चार्जर मिल जाता है इन द बॉक्स, जो कि वीवो के मिड रेंज फोन्स में कॉमन है। और साथ साथ ये फास्ट चार्जर इंश्योर करता है कि आपका फ़ोन फास्ट चार्ज हो जाए, लाइक इसमें आपको 52 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है 20% से 100% तक। तो आपने गेस कर लिया कौन से फोन की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे Vivo T3 Pro की। और इसमें आपको PC Mark का स्कोर निकल कर आता है 15 आवर्स 52 मिनट्स का, एंड बैटरी ड्रॉप आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ YouTube प्लेबैक 2% निकल कर आता है, एंड बैटरी ड्रॉप आफ्टर 1.5 आवर्स ऑफ गेमिंग 16%। और बाकी फोन के स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो बात करते हैं हम यहाँ पे बेस्ट बैटरी लाइफ फोन अंडर 35,000, और इसमें जो बेस्ट निकल कर आ रहा है ना वो पहले वाले मॉडल से काफी अपग्रेड होकर आया है। और उसमें से एक चीज जो आती है वो है इसकी 55 mAh की बैटरी, और इतनी बड़ी बैटरी के साथ ज्यादातर लोगों का फुल डे आराम से निकल जाएगा। और हमने यहाँ पे वीडियो स्ट्रीमिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट जो किया उसमें भी इसका रिजल्ट काफी अच्छा निकल कर आया, एंड इवन आपका पीसी मार्क टेस्ट भी काफी अच्छा कर गया। साथ साथ इसके मिलता है आपको 80 वॉट का चार्जर इन द बॉक्स, जो कि इसे काफी फास्ट चार्ज कर देता है, लाइक 35 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है ये 20% से 100% तक। सो आपने गेस कर लिया मैं किस फोन की बात कर रहा हूँ, ये है Vivo V40। इसमें आपको PC Mark स्कोर निकल कर आता है 13 आवर्स का, और वहीं पे बैटरी ड्रॉप आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ YouTube प्लेबैक 3% निकल कर आता है, एंड बैटरी ड्रॉप आफ्टर 1.5 आवर्स ऑफ गेमिंग 16%। बाकी फोन के स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो अब बात करते हैं हम यहाँ पे बेस्ट बैटरी लाइफ फोन अंडर 45,000, और इसमें जो बेस्ट निकल कर आता है ना वो एक पावरफुल चिपसेट के साथ आता है, एंड गुड कैमरास, एंड साथ साथ एक बड़ी बैटरी। और इन सबको अगर मिला देना तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है इन दिस प्राइस सेगमेंट। और यहाँ पे आपको जो 55 mAh की बैटरी मिलती है ना वो फुल डे आराम से निकाल देती है, इवन अगर आप एक हैवी यूज़र हैं तो भी। इसमें हमने आपका वीडियो स्ट्रीमिंग टेस्ट और गेमिंग टेस्ट किया तो इसमें रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे निकल कर आए। इवन PC Mark रिजल्ट्स तो इतना अच्छा था कि वन ऑफ द बेस्ट है इन दिस प्राइस सेगमेंट।
और इसमें आपको बड़ी बैटरी के साथ साथ एक बड़ा चार्जर भी देखने को मिलता है जो कि आता है 120 वॉट का और वो सिर्फ 26 मिनट्स में आपका 20% से 100% तक फुल चार्ज कर देता है। सो काफ़ी फास्ट है। सो आपने गेस कर लिया मैं किस फोन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपका Realme GT6 की। इसमें आपका PC Max स्कोर निकल कर आता है 14 hours 45 minutes का एंड बैटरी ड्रॉप आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ YouTube 3% का निकल कर आता है एंड बैटरी ड्रॉप आफ्टर 1.5 hours ऑफ गेमिंग 17% निकल कर आता है और बाकी फोन के स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब बात करते हैं यहाँ पे बेस्ट बैटरी लाइफ फोन अंडर 55,000 और इसमें जो बेस्ट निकल कर आ रहा है ना वो कंपनी अभी रिसेंटली इंडिया वापस आई है और काफी इंप्रेसिव फोन्स लॉन्च कर रही है जस्ट लाइक दिस वन। और इसके अगर कैमरा की बात करें तो काफी अच्छे पोर्ट्रेट्स क्लिक कर रहा है एंड सिर्फ कैमरा ही नहीं इसकी बड़ी 5200mAh की बैटरी गिव्स द रियल बूस्ट टू दिस फोन। और अगर बैटरी ड्रेन की बात करें ना तो कंपेयर अगर करें हम इसके अभी के कॉम्पिटिटर्स से इस प्राइस रेंज में तो काफ़ी कम बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है चाहे हम यहाँ पे आपका गेमिंग टेस्ट देखें या वीडियो स्ट्रीमिंग टेस्ट देखें। और उसके बाद अगर बात करें PC मार्क टेस्ट का जो रिजल्ट निकल कर आता है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता जो कि हम रियल वर्ल्ड यूसेज में इसकी बैटरी लाइफ ले पा रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। इसमें आपको 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि इसे 39 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है फ्रॉम 20 to 100%। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 66 वॉट का वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलता है जो कि अगर आप कंपेयर करें ना अगर एक वायर्ड चार्जर से भी काफ़ी फोन्स के साथ तो भी आपको फास्ट देखने को मिलेगा। तो आपने गेस कर लिया मैं किस फोन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे Honor 200 Pro की। इसमें आपको PC Max स्कोर निकल कर आता है 9 hours 28 minutes का, बैटरी ड्रॉप आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ YouTube प्लेबैक 3%, बैटरी ड्रॉप आफ्टर 1.5 आवर्स ऑफ गेमिंग 19% और बाकी फोन के स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब बात करते हैं हम यहाँ पे बेस्ट बैटरी लाइफ फोन अंडर 75,000 और इसमें जो बेस्ट निकल कर आ रहा है वो OnePlus 12 एंड Vivo X100 को पीछे कर दिया इवन दो उसके अंदर ज़्यादा बड़ी बैटरीज हैं। और इसकी बात आती है क्योंकि इसमें आपको सुपीरियर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से आपको बैटरी ड्रेन भी कम देखने को मिलता है चाहे आपका रियल वर्ल्ड यूसेज हो एंड या फिर आपका PC मार्क टेस्ट का स्कोर हो जो कि काफ़ी हायर निकल कर आता है। और साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन रहा लाइक OnePlus 12 सिर्फ 1% से हार गया अपने टोटल बैटरी ड्रेन में और इसमें आपको 120 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि इसे सिर्फ 32 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है फ्रॉम 20 to 100%। सो आपने गेस कर लिया मैं किस फोन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे Xiaomi 14 की। इसमें आपको PC Max स्कोर देखने को मिलता है 15 hours 45 minutes का, बैटरी ड्रॉप आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ YouTube प्लेबैक 3% एंड बैटरी ड्रॉप आफ्टर 1.5 hours ऑफ गेमिंग 19% और बाकी फोन के स्पेसिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो फाइनली अब बात करते हैं हम यहाँ पे बेस्ट बैटरी लाइफ फ्लैगशिप फोन और इसमें जो बेस्ट निकल कर आ रहा है उसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स का बेंचमार्क सेट करता है और ये फ्लैगशिप फोन आपका प्रीवियस ईयर मॉडल से काफ़ी नए अपग्रेड्स लेकर आ रहा है जैसे कि गैलेक्सी AI इंटीग्रेशन एंड द स्नैपड्रैगन न्यू फ्लैगशिप प्रोसेसर 8 Gen 3 जो कि काफ़ी अच्छा निकल कर आता है लेकिन आपको यहाँ पे बैटरी में कोई साइज में चेंज देखने को नहीं मिलता जो कि 5000mAh की बैटरी आती है लेकिन स्टिल बेस्ट बैटरी परफॉर्मेंस आपको देती है इन फ्लैगशिप फोन्स कैटेगरी। गेमिंग एंड वीडियो स्ट्रीमिंग टास्क तो अच्छे से हैंडल कर लेता है बट इन फास्ट चार्जिंग इट्स नॉट द बेस्ट कंसीडरिंग कॉम्पिटिटर्स। और 45 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट जो है वो एवरीडे यूज के लिए तो सही है लेकिन आपको 70 to 72 मिनट लग जाते हैं फुल चार्ज होने में विद अ कंपैटिबल चार्जर। तो आपने गेस कर लिया कौन से फोन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे Samsung Galaxy S24 Ultra की। इसमें आपको PC Max स्कोर निकल कर आता है 16 आवर्स 12 मिनट्स का एंड बैटरी ड्रॉप आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ YouTube प्लेबैक निकल कर आता है 3% का एंड बैटरी ड्रॉप आफ्टर 1.5 आवर्स ऑफ गेमिंग 21% आता है और बाकी फोन के स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो गाइस आप कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और आपके हिसाब से आपके फोन की बैटरी लाइफ कैसी है जरूर से बताना मुझे कमेंट्स में। सो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग और इनडेप्थ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें 99 मोबाइल्स को और हाँ दूसरों को बताओ शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।